आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। एसएसकेएम ट्रस्ट ने किया कंबल वितरण। भीषण ठंड को देखते हुए सामाजिक संस्था एसएसकेएम ट्रस्ट ने धनबाद के बलियापुर स्थित सिंदूरपुर पंचायत में 150 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया। इस दौरान ट्रस्ट के संस्थापक अशोक कुमार मुखर्जी ने कहा कि अपनी माता के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट की ओर से कंबल वितरण किया जाता है। ऐसे में आज बलियापुर प्रखंड के दोलावर, सुवरिया, चालधोवा, कर्माटांड, रखितपुर जैसे गांव से असहाय जरूरतमंदों को चिन्हित कर कंबल वितरण किया गया है। इतना ही नहीं, आगे भी ट्रस्ट की ओर से असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण शीघ्र ही किया जाएगा। सिंदरी से उमेश चौबे की रिपोर्ट। माता जी का जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं और इस बार भी थोड़ा देर हो गया, 18 तारीख को माता जी का जन्म था, मगर आज हम लोग कुछ दिन के बाद कर रहे हैं। सर्वमान्य माए उनका आशीर्वाद लेके हम लोग प्रारंभ किए, चल रहा है और कंबल वितरण का, असहाय लोगों के वितरण में कंबल वितरण का हम लोग प्रोग्राम है। क्षेत्र तो दूर दूर से आए लोग, दोलावर से आया है, इधर रखितपुर से है, इधर आपको सुवरिया, कर्माटांड, मुकुंदा, भिकाजपुर। लगभग कितना जरूरतमंदों को दिया गया कंबल? अभी लगभग 150 हो गए। आगे फिर क्या योजना? हाँ, कल हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग बलियापुर माता में जाएंगे और कुछ जो भिकाजपुर में छूटे हैं या चालधोवा में जो लोग असहाय नहीं आ पाए हैं तो उन लोग को घर में हम लोग पहुँचाएंगे, जाकर एक दो दिन के भीतर में सब जगह दे देंगे। सोचें ठंडा में, सोच रहे जितना जल्दी हो जाए। इस बार वो झोला देखने को मिल रहा है, इसका क्या खूबी है? झोला का एक ही मकसद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चलाए हुए हैं, हम लोग प्लास्टिक वर्जन करो, इसीलिए कपड़ा का झोला दिए हैं कि प्लास्टिक से बचा जा सके जितना हो सके।